वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर भोरा। हम पढ़ रहे हैं बेसिक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और आज जो क्लास है वो है 11th क्लास की। और 11th क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज है सेकंड लेक्चर, जो कि है टॉपिक, जो चैप्टर का नाम था वो था स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो 11th और 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर मैंने मोशन को समझाया था आपको, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति, क्या है ये टॉपिक का नाम है यानी चैप्टर का जो नाम है, सरल रेखा में गति। और हमने उस दिन फर्स्ट लेक्चर के अंदर मोशन को डिफाइन किया था, जो कि हमारा आय था, वो आय था चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज यानी बदलना किसका, पोजिशन यानी स्थिति का, पोजिशन यानी स्थिति का बदलना विद रेस्पेक्ट टू यानी के साथ, किसके साथ, समय के साथ। ये था मोशन। अब इस पूरी लाइन में से मैं सिर्फ इस तीन वर्ड को उठाता हूं यहां तक, यानी कि चेंज इन पोजिशन। बाकी मैंने पोजिशन को डिफाइन कर दिया है। पोजिशन होती क्या है, यानी स्थिति में बदलाव, स्थिति में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम छोड़ रहे हैं, सिंपली हम पढ़ रहे हैं चेंज इन पोजिशन। अब चेंज इन पोजिशन का मतलब है सीधा किसी भी बॉडी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज होना, मतलब उसकी पोजिशन का सिर्फ सिर्फ चेंज होना। जैसे कि अब इस चेंज इन पोजिशन से दो फैक्टर आते हैं, एक फैक्टर आएगा डिस्टेंस और जो एक फैक्टर है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। इसका दूसरा जो नाम है, इसको पाथ लेंथ भी बोल सकता हूं। पाथ लेंथ का मतलब, पाथ का मतलब होता है पथ, पथ लंबाई, पाथ यानी रास्ता, पथ। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। हाँ जी। और ये दोनों ही क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और मिलकर किससे बनी हुई है? बेसिक। तो इसको मैं बेसिक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि नाम चेंज हो चुका है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी ये लेंथ के ऑर्डर में, किसके ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ लेंथ। और लेंथ कैसी है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और जिसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, जो यूनिट्स हैं वो हो जाएगी मीटर। और डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ही की जो डायमेंशन यानी जो वीमा है वो वीमा होगी किससे, लेंथ का 1L1, या फिर बोल सकते हैं इसको M0L0L1 और T0। ये हो गई डायमेंशन की बात। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों होते क्या हैं और इनका सीधा कनेक्शन होता है मोशन के इन वर्ड से, चेंज इन पोजिशन यानी स्थिति में परिवर्तन यानी स्थिति में बदलाव। सिंपल। अच्छा जी, तो हम देख लेते हैं इनको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आया तो देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने बताया था विस्थापन, और बात करते हैं डिस्टेंस की। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो दो टाइप्स की होती है मेनली, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। मैंने क्या बताया था आपको, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा?
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब एक नंबर, दो तीन चार पांच कुछ भी। अब जैसे कि मास की बात कर लेता हूं सिंपल, जो मास फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास यानी 1 kg, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1 kg। क्या हो गया ये? मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड को बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। अब बात करते हैं स्केलर की। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। और वेक्टर का मतलब है, वो होता है सदिश राशि। हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब 1D मोशन है। कैसा मोशन है? 1D। डायमेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब अदिश राशि जो होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि ओनली एंड ओनली परिमाण। जैसे कि मास था, मास क्या होता है? 1 किलो। तो ये ओनली परिमाण है, इसका मतलब ये मास एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बट जब मैं सदिश राशि की बात करता हूं तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्लस एक डायरेक्शन और होती है, डायरेक्शन का मतलब दिशा, कि पर्टिकुलर दिशा में इतना मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डायरेक्शन भी देती है, विद डायरेक्शन। तो वो वेक्टर क्वांटिटियां होती है जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और स्केलर वो होती है जो मैग्नीट्यूड और परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड हो यानी परिमाण हो, वो सब होती है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी अभी जो पढ़े हैं उस केस में जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, और मैं जब एरिया की बात करता हूँ और वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम यानी आयतन, तो ये सब क्या है? ये सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और जब सदिश राशि की बात करता हूं तो सदिश राशि में मैंने बताया आपको दिशा और मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों पर ही, ये देखो, ये दो फिजिकल क्वांटिटी दिखने में बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही किसको बताती है? दोनों का ही मतलब होता है चेंज इन पोजिशन से, स्थिति में बदलाव से दोनों को। और दोनों की यूनिट भी सेम ही है। क्या है? दोनों की यूनिट सेम, डिटो सेम, मीटर एंड मीटर। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे होंगी, यानी इनमें अंतर क्या है? अब देखो, अंतर की मैं बात करता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी वो क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब इतना आपको पता लग गया है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ यानी परिमाण के साथ दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। पर जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलता है। क्या लेके चलता है? मैग्नीट्यूड। ये चीज क्लियर हुई? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। देखिए, अब मैं चेंज इन पोजीशन की दो एग्जांपल लेता हूं। देखो, अब मैंने क्या बताया? चेंज इन पोजीशन। पहले बात तो हमें पोजीशन डिफाइन करनी है, तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया है, ये मेरा ओ है जो कि है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस फ्रेम किस में होनी चाहिए? 1D, क्योंकि बोल रखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है। तो एक एक्सिस की जरूरत होगी, अक्ष की जरूरत होगी, यानी 1 डायमेंशन, यानी एक बीम है। ठीक है, अब एक बीम या तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो, मैं ये ले लेता हूं। ये मेरा 1D एक्सिस है। अब इसको आप नाम एक्स बोलो, वाई बोलो, कुछ है, मैंने एक्स बोल दिया। अच्छा जी, अब इस साइड रेफरेंस पॉइंट के इस साइड और रेफरेंस पॉइंट के इस साइड दोनों डिफरेंट थिंग है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रेफरेंस पॉइंट लेने पर मैं इस डायरेक्शन को प्लस डायरेक्शन बोल देता हूं, इसको माइनस बोल देता हूं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही लिया, क्योंकि प्लस और माइनस दो अपोजिट नेचर को बताते हैं, इसलिए मैंने इसको प्लस लिया। आप लेना चाहो तो इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस ले सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्शन को फिक्स रखना पड़ेगा कि ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसा दे ले लो,
ए इसको बी कर दो, बोल दो ए इज, ए हैव, यानी ए का जो नेचर है वो बी के नेचर से अपोजिट है इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के केस में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन को ही डिफरेंशिएट कर रहा है। अब मैं बात करता हूं इस एक्स, अब पोजीशन किस में होगी, पोजीशन मैं मीटर में लेके चलूंगा, किस में लेके चलूंगा, मीटर के अंदर, मीटर से आप किलोमीटर भी लेके जा सकते हो, कैसे भी जो भी। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि पहले पोजीशन क्या थी। तो मान लो यहीं पर से वो स्टार्ट करता है, क्या करता है, यहीं से एक इंसान है वो चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन के अंदर, और वो इस पॉइंट तक पहुंचता है। अब इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूं पी पॉइंट, और इतना चलने पर वो उसकी जो पोजीशन है ये 0 था, तो मान लो ये 40 मीटर है, कितना है ये 40 मीटर, कितना 40 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर आता है, किस पर आता है, क्यू पॉइंट पर। तो यहां से जाने के बाद ये इंसान अब जो है ये इस डायरेक्शन में चलता है पी से क्यू पॉइंट की तरफ, इसकी जो पोजीशन है क्यू की ओ के रेस्पेक्ट में वो है 20, कितनी है 20 मीटर, क्लियर, ठीक है। उसके बाद वापस वो ओ पॉइंट पर होते हुए, यानी ओ से होते हुए इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, और ये पॉइंट मैं नाम देता हूं क्यू पॉइंट। अब ये यहां था, यहां तक पहुंच गया, इसके बाद ये यहां तक जा रहा है, और ये कितना चला है, यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। अब देखो ओ के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन 20, ये पोजीशन है वो 40 मीटर। अब ये जो पोजीशन है, मान लो ये पोजीशन है 20 मीटर माइनस के साथ, क्योंकि माइनस मतलब इस डायरेक्शन में पोजीशन होगी वो माइनस के अंदर होगी, इसमें होगी माइनस के अंदर। यहां तक क्लियर है सभी को, तो हमने जो बताया, और उसके बाद देखो कि क्यू पॉइंट से वापिस वो चल के फिर इधर आ जाता है, तो यहां से वापिस वो चला है और यहां पर वापिस आ गया है, ये है 0 मीटर, यानी रेफरेंस पॉइंट वो तक ही आ गया। तो हमारा कैसे कैसे चला, यहां से स्टार्ट हुआ था 0 से, 0 से इधर, तो ये मेरा पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर, ये 3 नंबर और ये 4। मैं डाल देता हूं, देखो कैसे कैसे चला था वो, फर्स्ट चला वो पी टू ओ टू पी चला, पहले पहले क्या चला, ओ से लेके पी तक पोजिशन चेंज हुई, फिर पी से लेके क्यू तक, फिर क्यू से लेके क्यू पॉइंट था इसको मैं आर पॉइंट दे देता हूँ, आर, क्यू से लेके आर तक, और फिर आर से लेके वापिस ओ तक। पी है वो 40 मीटर पर है ओके रेस्पेक्ट में, क्यू है वो 20 मीटर है ओके रेस्पेक्ट में, आर है वो -20 है ओके रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है निर्देश बिंदु। अच्छा जी, इतना करने के बाद अब यहां पर मुझे पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर दोनों ही केस में, यानी इस वाले केस में चेंज इन पोजीशन हो रहा है। अब वो चेंज इन पोजीशन कैसा हो उस हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा। अगर ये चेंज इन पोजीशन डिपेंड कर रहा हो, क्या कर रहा हो, डिपेंड कर रहा हो कहां कहां पे, देखो जहां से वो चला, चला तो मतलब इनिशियल पोजीशन, यानी प्रारंभिक स्थिति, और जहां वो पहुंच जाएगा वो हो जाएगा फाइनल पोजीशन, क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन यानी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। इसका मतलब अगर चेंज इन पोजीशन डिपेंड करे ओनली एंड ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर, और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हो, कैसा हो, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे छोटा पाथ। अब दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ आपको पता है स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, दो पॉइंट के बीच की सबसे
मिनिमम जो लेंथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अगर चेंज इन पोजिशन निर्भर करे, डिपेंड करे प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर, और वो दोनों पॉइंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट होगा और ये भी एक पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंट का अगर मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट का पाथ मतलब मिनिमम लेंथ अगर हो, तो वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। मान लो ये इनिशियल पोजिशन और ये फाइनल पोजिशन, और इनिशियल टू फाइनल गया तो एक डायरेक्शन भी मिलेगी, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी इस लेंथ पर। समझ रहे हो ना? आई टू एफ यानी इनिशियल टू फाइनल गया और डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन यानी जब पोजिशन चेंज हो रही हो, तो जहां वो पहले थी पोजिशन और जहां पहुंच गई, तो पोजिशन में जब चेंज हुआ वो शॉर्टेस्ट पाथ हो यानी कि स्ट्रेट लाइन हो, तो इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन के बीच का जो पाथ होगा, मिनिमम पाथ होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और देखो दिख भी रहा है वेक्टर कैसे है, कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन कभी चेंज होगी नहीं, तो ये I टू F की तरफ सीधा चलेगा। क्या होगा? I से लेके F की बीच की बिल्कुल सीधी दूरी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। क्या हो गई? ये डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं चेंज इन पोजिशन, सिंपल कि ये चेंज इन पोजिशन, देखो मैं डिस्प्लेसमेंट को मिटा देता हूं, अभी ये हो गया है क्लियर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात करता हूं कि चेंज इन पोजिशन अगर डिपेंड ना करे, डिपेंड ना करे किस पर? पाथ पर डिपेंड नहीं करे। पाथ का मतलब कि अगर पोजीशन, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मैं लिख देता हूं कि जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे पाथ, वैसे वैसे जो पाथ है यानी जो रास्ता है यानी जो पथ है, पाथ लेंथ है, वो जुड़ती जाएगी यानी ऐड होती हुई जाएगी। इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसके लिए क्या है कि एक इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, तो इसको या ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए करके और यहां पहुंच गया। तो देखो ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको फर्क नहीं पड़ता। यहां से यहां तक गया जुड़ेगा, यहां से यहां तक गया जुड़ेगा, यहां से यहां तक गया ऐड होगा, यहां से यहां तक ऐड ऐड ऐड, इन सब को जोड़ दूंगा तो वो मेरी आ जाएगी टोटल पाथ लेंथ। यही डिस्टेंस होता है। यही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है। किसको नहीं पड़ रहा है? डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे मान लो कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं एक कदम दो कदम, अगर मैं तीन कदम पीछे आ गया, इसका मतलब दो कदम और तीन कदम जुड़ गए, इसको डायरेक्शन देखनी नहीं, इसको जैसे जैसे आप चल रहे हो वैसे वैसे जोड़ते हुए चले जाओ, वो डिस्टेंस होगा यानी वो पाथ लेंथ होगा। तो ये सब क्या होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी यानी पथ लंबाई। अब इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? ये एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि कैसी क्वांटिटी है? स्केलर यानी कि अदिश। अब मैं बात करता हूं कि यही डिस्टेंस अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो चेंज इन पोजिशन किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में चेंज होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो पॉइंट ये था, उसके बाद ये यहां चला गया, उसके बाद वापिस ये यहां आ गया, इसका मतलब यहां गया और फिर यहां से यहां आया,
इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक आया, तो इसमें जितना चला और इसमें जितना चला वो दोनों जोड़ दो, वो डिस्टेंस बनेगा। बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर इनिशियल ये है फाइनल ये है तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना सिर्फ इतना, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं। क्यों? डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस का मतलब जितना आप चल रहे हो वैसे आप चलते जाओ। जैसे मान लो यहां मैं खड़ा हूं, मुझे घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल और मैं जब भी मैं ट्रेवल करता हूं और स्कूल पहुंचता हूं तो इस स्कूल तक पहुंचने में मैं सिर्फ और सिर्फ दूरी तय करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरफ चलूंगा वो ऐड होता हुआ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में चल ही नहीं सकता। कैसे? कि अगर मुझे यहां से स्कूल तक जाना है तो मैं सीधा स्कूल को एक डायरेक्शन पर फिक्स करके सीधा नहीं चल सकता। अगर मान लो बीच में कोई नाली आ रही है या फिर कोई छोटा मोटा पहाड़ टाइप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई घर आ गया बीच में, तो मैं उसके घर को चीर के थोड़ी निकल जाऊंगा, मुझे साइड में जाना पड़ेगा, थोड़ा रस्ते रस्ते के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहां पर जितना भी होता है वो सिर्फ दूरी कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता है आम लाइफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दूरी। अच्छा जी, यहां तक समझ में आया डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों में अंतर समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा, बट डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पर हम दोनों क्वांटिटी हमने पढ़ ली, डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं कि यहां पर ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है चेंज इन पोजिशन का एग्जाम्पल है, ओनली चेंज इन पोजिशन। देखो चेंज ही हो रही पोजिशन, इंसान यहां खड़ा था फिर यहां पहुंच गया, कहां पहुंचा है, ओ से लेके पी तक पहुंच गया, फिर पी से लेके क्यू तक पहुंच गया, फिर क्यू से लेके आर तक पहुंच गया, फिर आर से लेके फिर ओ तक पहुंच गया। अब आपको बताना है कि ओ से लेके ओ तक वापस आने में डिस्टेंस कितना था। तो देखो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बताया था डिस्टेंस, जैसे ऐसे चले वैसे वैसे ऐड करते हुए आ जाओ। देखो यहां से यहां तक गया ओ से लेके पी तक, तो ओ से लेके पी तक गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ से लेके पी तक यानी 40 मीटर। फिर गया वो पी से लेके क्यू तक, फिर पी से लेके क्यू तक आया तो 40 और 20। अब यहां से यहां तक 40 है और यहां से यहां तक 20 है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 20। तो कितना चला, वो चला 20 मीटर। उसके बाद बात करते हैं क्यू टू आर, तो क्यू से लेके आर तक की जब मैं देखता हूं तो क्यू टू आर तक, तो देखो ये 20 और ये भी 20, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं, आप जैसे जैसे चल रहे हो वैसे वैसे जोड़ते हुए आ जाओ, ये 20 और ये 20, तो ये टोटल मिलके हो गया 40 मीटर। उसके बाद R से लेके वापिस वो O तक चला जाता है, तो R से लेके O तक गया तो 20 फिर चल गया, तो ये 20। अब मैंने क्या बताया था डिस्टेंस का मतलब, ये सारे O से लेके O तक की जोड़नी है तो O से लेके O तक की ये सब जोड़ दो, कितना होगा 4 20 60, और ये हो गया 100 और 20 यानी 120 मीटर टोटल पाथ लेंथ, यानी डिस्टेंस यानी कि दूरी हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। अब जब बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए, डिस्प्लेसमेंट इट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन देखो, ओ से लेके पी तक की अगर मैं बात करूं तो ओ से लेके पी तक, ओ ये रहा पी ये रहा, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा। अब यहां से यहां तक पहुंचा, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक पहुंचा, तो ओ से लेके पी तक डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस का 40 मीटर, प्लस लगाना जरूरी है यहां पर, ठीक है, प्लस का 40 मीटर। हाँ जी, उसके बाद वो पी से लेके क्यू तक गया, कहां से गया, पी से लेके क्यू तक गया, तो देखो पी से लेके क्यू तक आया तो यहां से लेके यहां तक 20 मीटर तो कवर किया, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा माइनस का 20 मीटर। अब उसके बाद जब बात करते हैं वो होती है क्यू से लेके आर तक की, तो क्यू से लेके आर तक जब वो आया तो पूरा उसने कैसे कवर किया, देखो यहां से लेके और यहां तक ये डायरेक्शन कैसी है, माइनस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, चाहो तो आप इसको प्लस ले लो उसको माइनस ले लो, तो ये प्लस माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। अब देखो
यहां से लेके क्यू से लेके अगर आर तक गया है तो 20A और 20A कितना हो गया 40, तो कितना आ गया माइनस का 40 मीटर। फिर आर से लेके ओ तक गया, आर से लेके ओ तक गया, मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी वैसे वैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। आर से लेके ओ तक गया फिर 20 बट प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस का 20 मीटर प्लस डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, ओ से लेके ओ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 40 20, ये 40 कैंसिल आउट, ये 20 कैंसिल आउट, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। अब बार बार आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है टीजे मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यानी अंतिम और प्रारंभिक दूरी के बीच का शॉर्टेस्ट यानी सबसे मिनिमम का मतलब न्यूनतम पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अपन क्या करेंगे कि भैया पूरा पाथ क्या था, ओ से लेके ओ तक का बताना है, कहां से कहां तक का, ओ से लेके ओ तक का। तो ये पोजिशन यही थी और वापिस यहीं पर आके वो रुक गया, तो इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो गई और इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होगा। अगर मान लो मैं यहां से चला और घूम फिर के यहीं आ गया तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिटो सेम, उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो यहां पर मेरा कितना होगा सिंपल, यहीं से पता लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अगर मान लो वो वापिस से अब मुझे निकालना होता O टू Q कि O से चल के वो Q तक पहुंचा, कैसे भी पहुंचा जी, घूम फिर के कैसे पहुंचा, तो डिस्टेंस तो जुड़ता हुआ चला जाएगा बट डिस्प्लेसमेंट O टू Q, तो O टू Q मतलब O here up, Q here, इनिशियल पोजीशन O, फाइनल पोजीशन Q, तो 0 टू Q कितना हुआ 20 मीटर, प्लस का 20 मीटर आ जाएगा O टू Q के लिए, क्या आएगा प्लस का 20 मीटर। अब यहां पर देखो 20 मीटर तो मैग्नीट्यूड को बताएगा कि कितना परिमाण है, कितना पाथ था, और प्लस क्या बताएगा डायरेक्शन, तो फटाक से आप 20 मीटर आ जाओगे। अगर ये बोलता माइनस का 20 मीटर तो ये यहां पहुंचता आर पॉइंट पर, अगर ये बोलता प्लस 40 तो प्लस 40 आप पी पॉइंट पर। समझ में आया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन यूनिट डेफिनेशन एग्जाम्पल से आपको बता दिया, और दूसरा हमने इसको रिलेट भी कर दिया कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो ना तो ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ना इधर उधर मूव कर सकता है, सिर्फ ये इस एक्सिस पर मूव कर सकता है, और इस एक्सिस पर डायरेक्शन सिर्फ दो ही लेनी पड़ेगी, एक वो और एक ये, लेफ्ट टू राइट ले लो या फिर प्लस एंड माइनस ले लो। तो मैथ का सोल्व करते हैं, मैथ क्योंकि यहां पर मैथ की तरह सोल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने प्लस और माइनस ले लिया, प्लस का नेचर सेम जुड़ते चल जाएंगे, माइनस वाले अपने आप में जुड़ेंगे और माइनस प्लस एक दूसरे को काट देंगे, ऐसा ही कुछ तो हो रहा था डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन की, क्या बात करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, ये हटा दूं। देखो जी अब हम रिलेशन की बात करते हैं कि ये दोनों आपस में, देखो यूनिट में सेम है बाकी सब में सेम है, डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है पर दोनों में रिलेशन तो होगा क्योंकि दोनों एक साथ कवर हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं एक ही एक्टिविटी में दोनों चीज कवर हो रही है, तो दोनों में रिलेशन तो होगा, बिल्कुल रिलेशन होगा। और जो रिलेशन है वो ये होगा, सबसे पहले मैं रिलेशन को छोड़ के इनकी पॉसिबिलिटी की बात कर लेता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करने की वजह से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में प्लस भी हो सकता है अगर वो रेफरेंस पॉइंट के साथ प्लस डायरेक्शन में हो, अगर वो रेफरेंस पॉइंट के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में हो, अगर वो जिस पोजीशन पर था उस पोजीशन पर वापस आ जाए तो जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, तीनों हो, तीनों मैंने आपको बताया एग्जांपल के अंदर। अब अगर डिस्टेंस की अगर बात हो तो डिस्टेंस के केस में चेंज इन पोजीशन को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, और डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो इसको सिर्फ ये और सिर्फ पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर चेंज इन पोजीशन हो तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, इफ चेंज इन पोजीशन, अगर पोजीशन में चेंज है तो डिस्टेंस जो है यानी पाथ लेंथ यानी दूरी वो कैन नॉट बी जीरो, हो ही नहीं सकती।
बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। सिंपल था ना इंपॉर्टेंट कि डिस्टेंस कभी भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब पॉजिटिव का मतलब बताएगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, जीरो जीरो हो गया। यही तो वेक्टर की क्वालिटी होती है कि वेक्टर कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। बट स्केलर की बात करता हूं तो स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा रहता है स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसको एक परिणाम परिमाण से मतलब होता है। अब बात करते हैं इनके बीच का रिलेशन, यहीं से रिलेशन निकल के आएगा। क्या रिलेशन निकल के आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं मैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर वन डी एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों लास्ट बराबर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं लास्ट बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, क्या हो सकता है बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, अगर पोजीशन अपनी चेंज इन पोजीशन अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, यानी कि डायरेक्शन में चेंज ना हो। अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं है, दिशा में चेंज नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। कैसे, देखो कि ये जो रेफरेंस पॉइंट हुआ, अगर यहां से कोई इंसान यहां जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। देखो इक्वल रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इक्वल रहेंगे, जब तक कि चेंज इन डायरेक्शन में चेंज ना हो। अगर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, अगर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, वापस यहां पे आने लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ होता हुआ आ जाएगा और डिस्टेंस तो ऐड होता हुआ चलेगा। इसका मतलब कि डायरेक्शन में चेंज ना हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और लास्ट जो रिलेशन ये हुआ कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट हो जाए, क्या हो जाए शॉर्टेस्ट, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही बन जाएगा। तो लास्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, या फिर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो इस केस का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर मिलेगा। बट डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए बात को? तो ये आज हमारा टॉपिक था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन और दूरी पर। ट्यूटोरियल सीट के अंदर इनके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, क्वेश्चन आपको दूंगा भी, आपको भी सोल्व करने नहीं आए तो मैं सोल्व कराता हूं ट्यूटोरियल सीट को, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम कराएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा, देखो मैंने क्या बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब मैंने क्या बताया था, अब मैं लेके चलूंगा विद टाइम को, मैं टाइम को और ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा टाइम को ऐड कर दूंगा चेंज इन पोजीशन में। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएंगे। और विद रेस्पेक्ट टू टाइम होंगे तो नई फिजिकल क्वांटिटीयां मिलेंगी, वो हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और बाकी जो लेक्चर स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है, 11th क्लास का, 12th क्लास के भी स्टार्ट हो रखे हैं, एक लेक्चर हो चुका है और चार्जेज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक था, हाँ यस। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।